Friends Live Update. गुड आफ्टरनून कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम एनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ ओबेरॉय ग्रैंड से। और हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ। जी हाँ, बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम, इस मूवी के प्रमोशन के लिए वे इस वक्त कोलकाता शहर में है। 13 मई को ये मूवी रिलीज होने वाली है और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम पे। विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। हाँ बिल्कुल, कोलकाता तो समझिए मैं आधा कोलकाता वासी हूँ, क्योंकि आप देखिए मेरी हर फिल्मों में किसी बंगाली हीरोइन ने काम किया है और अभी इस फिल्म में कोई बंगाली हीरोइन नहीं है, तो मेरी जो डीए जो है, जो सबसे क्लोज होती है डायरेक्टर के, वो बंगाली है जी। वैसे मुझे बताइए कि 4 साल लग गए हैं मूवी अब 13 मई को रिलीज होने वाली, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आज भी कुछ ऐसा हुआ है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत समय लग गया इस मूवी को रिलीज होने में। देखिए क्या है कि पहली बार हिंदुस्तान में 70 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किसी ने ऐसे विषय पर फिल्म बनाई है जिस पर कोई बनाता नहीं है, तो जो एक नेक्सल एनजीओ और एकेडमिया का नेक्सस सा बन गया है इस देश के अंदर, जो स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बनाते हैं जिस तरह से आईएस और तालिबान वाले जिहादी और सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, तो ये हमें लगा हम बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बड़ा अच्छा सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये बन के तैयार हुई तो एक एक करके सब लोगों ने इसको छोड़ के भागना शुरू किया। कई लोगों ने कहा ये फिल्म तो रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, सम पीपल वांट टू डिस्ट्रॉय इट। तो जेएनयू में आपने देखा होगा ऐसा हुआ था, फिर लड़कों ने सड़क पर फिल्म दिखाई खड़े होकर, पहली बार विश्व के इतिहास में हुआ एक फिल्म रिलीज होने के पहले सड़क पर दिखाई गई। आज मैं पूरी रात कल पुणे यूनिवर्सिटी में दिखाई थी, पूरी रात ट्रैवल करके सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचा तो मुझे ईमेल आया लड़कों का कि उनकी परमिशन कल कैंसिल कर दी गई है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और मैं, मुझे लगता था जादवपुर यूनिवर्सिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे सबसे नंबर वन होनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि वहाँ कई सारे लोग हैं इस फिल्म की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, लेकिन हमने कभी किसी की फिल्म दिखाने से किसी को नहीं रोका, किसी का नाटक दिखाने से नहीं रोका। अरे एक फिल्मी तो है, फिल्म में क्या हो जाएगा, 2 घंटे की फिल्म में कुछ लोग अग्री करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ी बहस होगी, थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है फिल्म के लिए। और अगर किसी को लगता है कि फिल्म में इतनी ताकत है कि लोगों को बदल सकती है, तब तो मेरा विश्वास बढ़ गया है फिल्म, तो फिर और ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए। क्या लग रहा है सर, वॉट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होने वाला है? आज के बाद भी 13 तारीख इंतजार है हमें, क्या लग रहा है, क्या करने वाले हैं? देखिए एक तो मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है कि चाहे जैसे भी हो वो सड़क पे करेंगे स्क्रीनिंग, लेकिन करेंगे, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल, इस मूवी के बारे में और भी ज्यादा बातें करें, स्टारकास्ट काफी अच्छे हैं, अनुपम सर भी इस मूवी में नजर आने वाले, कुछ कहना चाहेंगे स्टारकास्ट के बारे में? पल्लवी मैम नजर आ रही है, कुछ अगर कहेंगे? देखिए मैं जब अपने फिल्म शुरू की थी मेरा इरादा था कि एक से एक अच्छे एक्टर हो, तो देखिए अनुपम जी नेशनल अवार्ड विनर हैं, पल्लवी जी नेशनल अवार्ड विनर हैं, इतने सारे नेशनल अवार्ड विनर्स हैं इस फिल्म के अंदर, तो आई थिंक आप जब देखेंगे, और जो अरुणोदय का रोल है वो मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट यंग रोल्स में से एक है। सर आपके अगर हम करियर की बातें करें, चॉकलेट मूवी लोगों को काफी पसंद आई, गोल मूवी काफी पसंद आई, हेट स्टोरी सुपर हिट रही, और जैसा कि आपने कहा कि हर मूवी में बंगाली एक्ट्रेस तो रहती ही है, राज क्या है सर? पता नहीं, हो सकता है मुझे शायद बंगाली लड़कियों की आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं या उनका कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा होता है, कुछ तो है ऐसा कि बंगाली एक्ट्रेसेस कहीं ना कहीं, मैं कॉलेज में भी जब थिएटर करता था आप यकीन नहीं करेंगे, तब भी मेरे साथ कोई ना कोई बंगाली हीरो या हीरोइन जुड़ी रहती थी, और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स, मेरा बंगालियों के साथ बहुत खास वो है, मेरा रुझान भी है क्योंकि बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं, और इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद बंगालीज। जानना चाहूंगा जब एक मूवी, जब ऐसी मूवी जो लोगों को छू जाने वाली होती है, कुछ लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब आपके जैसे इंसान के दिमाग में क्या चलता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग मना करते हैं? देखिए कौन लोग हैं जो डर रहे हैं, फिल्म स्टूडेंट्स ने शुरू की थी, जब बननी शुरू हुई थी तो उनके कारण हुई, स्टूडेंट्स ही इसको मार्केट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, राइट? तो कौन लोग हैं ऐसे जिनको कि डर लगता है और जो चाहते नहीं कि ये फिल्म कोई देखे, ये कौन लोग हैं और क्यों डर लगता है? आज अगर समझिए मैं कोई फिल्म मेकर हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे बॉलीवुड वाले क्या थर्ड रेट फिल्में बनाते हैं, तो ये थोड़ी कि मैं उस आदमी से बात करना बंद कर देता हूँ, मैं उससे सहमत नहीं हूँ इस बात को लेके। कई लोग हैं जो कहते हैं अरे फिल्म वाले क्या जाने उनको क्या अक्ल होती है, हीरो एक्टरों को क्या अक्ल होती है, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ, पर इसका मतलब उनसे बात करना बंद कर दूँ, ऐसा नहीं है। हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपनी ओपिनियन कहने का डेमोक्रेसी में हक होना चाहिए, और ये मेरा हक है कि मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाके अपनी फिल्म दिखाऊं, और उसके लिए मैं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए दिखाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे मुझे ये बताइए कि जब हम इस मूवी की बातें कर रहे हैं, बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम, ये नाम काफी अलग है, हम सुबह से ही बातें कर रहे थे कि विवेक सर के साथ हमारी बातें हुई, ज्यादातर लोगों ने पूछा है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा है कि ऐसा नाम क्यों रखा गया, कुछ कहना चाहेंगे सर?
देखिए, जब इस फिल्म का नाम मैंने बुधाई ने ट्रैफिक जैम रखा था, तो सारे एक्टर्स और क्रू ने एक दिन मेरे को बैठाया, मेरे सामने बियर रखी, कहा इसे पियो, और उसके बाद बोला कि तुम बड़े जाहिल और बेवकूफ टाइप के आदमी, क्या नाम रख दिया तुमने उठा के, कौन हिंदुस्तान में समझेगा बुधाई ना ट्रैफिक जैम क्या होता है। पर मेरा विश्वास था इसलिए क्योंकि जब हमारी सोसाइटी पे बहुत समस्याएं आई, सोसाइटी में बहुत सफरिंग बढ़ गई, तो बुद्धा ने हमको अपने आइडिया से एक रास्ता दिखाया। आज हमें लाखों बुद्धा की जरूरत है, लेकिन वो सारे बुद्धा जो हैं ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, सिस्टम के, सरकार के, व्यवस्था के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। हमें जरूरत है कि वो बुद्धा बाहर निकलें और अपने आइडियाज से हमको फिर से एक नया रास्ता दिखाएं। सर, आपकी आने वाली मूवी, अगर हम जुनूनियत की बातें करें, कुछ कहना चाहेंगे इस मूवी को? देखिए, जुनूनियत के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, इसलिए क्योंकि उसके लिए मैं फिर आ रहा हूँ कुछ दिनों बाद, तब आपसे डट के बात करेंगे। 13 तारीख का हम सभी को इंतजार है, जाते जाते उन सभी से कुछ कह दिया, कोलकाता आपका अपना घर है, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे मूवी रिलीज होने वाली नेक्स्ट वीक? देखिए, बंगाल से हमेशा एक वैचारिक रेवोल्यूशन आया है, यहाँ पे हमेशा एक बुद्धिजीवी, एक क्रांति लेके आए हैं, यहाँ पे एक थॉट रेवोल्यूशन जो है वो आया है, और वो थॉट रेवोल्यूशन तब आता है जबकि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए। ये संभव नहीं है कि आप अपनी बात कहें और दूसरे को कहने ना दें और उसको छुपा दें, और आप कहें कि भाई हम सोचते हैं, हम तो इंटेलेक्चुअल हैं, और जो आदमी दूसरे टाइप का है, जो हमारी विचारधारा का नहीं है, वो तो एकदम बेवकूफ और रिग्रेसिव आदमी है। मेरे ख्याल से ये थिंकिंग थोड़ी गलत है। सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेफ्टिस्ट होना बहुत अच्छी चीज़ है, वो थिंकिंग अच्छी है, मार्क्सिज्म भी अच्छा है, माओइज्म भी अच्छा है, कोई थ्योरी गलत नहीं होती, लेकिन उसको जब हम सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए यूज़ करें तो मेरे ख्याल से वो गलत है। और इस बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स तो हम सभी हिंदुस्तान के ही हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे आपस में दुश्मनी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके इस फिल्म को देखें और देखें किस तरह से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव काइंड तरह की फिल्म है, और ये दोनों तरफ के, राइट और लेफ्ट के दोनों एक्सट्रीमिज्म को एक्सपोज करती है। विवेक सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह के चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहे, इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नन अदर देन डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हुई थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम रिलीज होने वाली है 13 मई को। इस दिन का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था। दैट्स ऑल फ्रॉम